आरसी लाल मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल जोराहा कल्याणपुर में राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्कूल के छात्रों और छात्राओं ने राखी भी बांधी। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने बच्चों को इस पर्व के बारे में जानकारी दी। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को बरामद करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इनके इनसे पूछताछ में तो बताया कि अभी एक हफ्ते पहले ही इन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन पहले भी ये काम करते रहे हैं। इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है और इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पुलिस चेकिंग के दौरान अवैध शराब लेकर बिहार जा रहे ट्रक चालक ने पकड़े जाने के डर से नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मूक दर्शक बने पुलिसकर्मी ट्रक लेकर थाने की ओर चल दिए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इससे दोनों ओर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। देवरिया के सलेमपुर में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे बना एक मजदूर का आशियाना कुचल दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वही मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने क्रेन मंगाकर ट्रक को बाहर निकाला। सलेमपुर के गांव सतोतार में लगा पोल एक महीने से टूटा है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से आज भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आप ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। करौली के गांव खेड़ा जमालपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामा शाहों ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को टाई बेल्ट वितरित की। आपको बता दें कि टाई बेल्ट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे।